कि जो इंडिया अब रूस के साथ बड़ा क्लोज है, जो वाहिद क्वाड का मेंबर है जिसने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाने से इनकार कर दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रशिया सेंड टू ट्रेन्स ऑफ कोल टू इंडिया वाया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड में ही देखो, अपनी औकात देखो। ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात आइडियल तो नहीं रहे माजी में। जिस घर में आमदनी नहीं होती है फिर वो दो वक्त के तीन वक्त के बजाय एक वक्त का खाना खाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी फैमिलीज हैं और लाखों में है। बहसियत कौम हमें ऐसा ही गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि कर्जों पे जिंदा नहीं रह सकते। आपकी इक्तसादी और सियासी हालत मिलके करेंगे, वो गलीज कट्ठे नहीं तुसी मिलके मिलेंगी। ये वो वजह है कि पाकिस्तान के अक्सर लोग इस वक्त ये बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए या किसी ऐसी जगह उन्हें रोजगार के लिए चले जाना चाहिए जहां पर जाकर वो अपनी रोजमर्रा की जरूरियात और उनकी जिंदगी की जो आपके बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी उसूल हैं, आप उनको पूरा कर सके। इंडिया अब इस रास्ते के जरिए आधी से ज्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा। कहा जाता है कि हायर देन हिमालयाज और स्वीटर देन हनी एंड डीपर देन ओशन। इंडिया रशिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसका ताल्लुक डिफेंस, एनर्जी, कनेक्टिविटी से है। लेकिन कोई क्या इंडिया की ट्रेड की गेम बदलेगा? इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रशिया सेंड टू ट्रेन्स ऑफ कोल टू इंडिया वाया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाया ईरान। ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। लेकिन कोई क्या इंडिया की ट्रेड की गेम बदलेगा? इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए, इंडिया तो पहले ही रशिया से धड़ाधड़ सस्ते दामों तेल खरीदता रहा है, तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा जिन कंट्रीज को चाहिए था, यूरोप तक इंडिया ने वो तेल बेचा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है, पहले भी मंगवा रहा है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के जरिए, इस रूट के जरिए इंडिया और रशिया ही कनेक्ट नहीं हो रहे बल्कि इसमें ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर यूरोप का जो जो कंट्री चाहेगा, और वो इंडिया से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जब आप रशिया भेज रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें भी भेज दें, क्योंकि इसी रास्ते से वो भी जुड़ रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस रास्ते पर ऐसे वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि जब वो ये ट्रेड होते देखेंगे तो वो फौरन ये कहेंगे, ईरान के थ्रू, ईरान तो शामिल ही है इसके अंदर, लेकिन जो उससे जुड़े हुए और कंट्रीज़ हैं वो कहेंगे कि हमारी तरफ भी भेजें भाई, गुल फेंकते हो औरों की तरफ समर भी, ए खाना बर अंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। सौदा का शेर है ये जो मैंने आपको सुना दिया, मिर्ज़ा सौदा का। लगता है कि इसी कॉरिडोर के लिए उन्होंने ये शेर कहा था। अच्छा, सिर्फ ये ईरान से जुड़े हुए मुस्लिम कंट्रीज़ ही नहीं, बल्कि उसके बाद क्योंकि यूरोप भी आगे रशिया से जुड़ता है, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं, तो वो भी कहेंगे कि अगर इंडिया से एक प्रोडक्ट चलती हुई आपकी तरफ आ रही है तो हमारी तरफ भी भेजें। तो इंडिया अब इस रास्ते के ज़रिए आधी से ज़्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा, और रशिया इजीली जो इंडिया को तेल और कोयला जो भी चाहिएगा, गोल्ड भी हो सकता है, हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं, डायमंड्स भी हो सकते हैं, जो जो भेजना चाहे एक दूसरे को भेज सकते हैं। बल्कि सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि यूरोप तो अब इंडिया, ना सिर्फ इंडिया से मंगवाएगा बल्कि इंडिया भेजेगा भी। तो देखिए, ये ट्रेन के ज़रिए कनेक्ट हो गए हैं ये कंट्रीज। ये वो कॉरिडोर नहीं है इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, वो अलग है, उसकी तो अपनी ही एक
गेम चेंजर कहानी है, उस पर तो हम बात कर भी चुके हैं इससे पहले, जिसमें ये पता चल रहा है कि वो तो स्वेज कैनाल जो है वो उसका लगता है कि ऑल्टरनेट साबित होगा वो। लेकिन आपको याद होगा कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान वीट भेजनी थी इंडिया ने, तो इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि जनाब ये आपकी तरफ से भेज दें। उस वक्त बड़ी वहाँ पे कहत पड़ा था अफगानिस्तान में, बहुत जब मुश्किल की सूरत हाल थी और फूड वहाँ पर बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी वीट भेजी थी, कई दुनिया की कंट्रीज़ ने जहाँ पे वहाँ पे वीट भेजी। तो इंडिया ने जब वीट भेजने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि ये वाघा बॉर्डर के रास्ते होते हुए जो है हम इधर से भेज देते हैं, पाकिस्तान ने मना कर दिया। अच्छा, हमने बहुत जोर डाला, हमने उसके ऊपर कई प्रोग्राम्स किए, पूरा मीडिया इसके ऊपर बोलता रहा कि भाई क्यों नहीं भेज रहे, ये अच्छी बात है, एक तरीका निकल रहा है, आपस में भी ट्रेड कीजिए और ये भी करें। पाकिस्तान ने ना कर दी। तो उसके कुछ अरसे के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ थोड़े से ट्रक जो थे वो भेजने की इजाज़त दी थी पाकिस्तान ने। लेकिन ये जो रास्ता अब इंडिया ने इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान के थ्रू भी ये कॉरिडोर, ये रास्ता बन सकता था। देखिए ना, इंडिया अगर ये ट्रेड जो कि वाया ईरान हो रही है, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता और पाकिस्तान से होता हुआ ये रूट गुजरता, तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता, इंडिया पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता ये रूट इस्तेमाल करने का। लेकिन आई हैव नो आइडिया कि ये एक इतना ज़बरदस्त ऑफर पाकिस्तान ने क्यों रिजेक्ट की, पाकिस्तान ने क्यों ठुकराई, वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, वो कौन से अकलमंद लोग हैं जो अपनी जनरेशन्स का फ़ायदा नहीं चाहते। क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो आप इंडिया से सिर्फ रूट का ही कमा सकते हैं कि उनके ट्रक्स वहाँ से गुजर रहे हों। लेकिन देखिए, उसमें ये है कि वो एक, आपको पता है, वही एक नफ़रत की पॉलिसी, एक झूठ का जो पुलिंदा इकट्ठा करके रखा हुआ है, जनरेशन्स को जो पढ़ाया है, जो है, जिस वजह से बहुत सी उसके ऊपर जो हैं वो जो पिलर्स खड़े किए हुए हैं ये वाले, उसके ऊपर बहुत कुछ रखा हुआ है, जो अगर ये पिलर्स हटे तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, तो उस वजह से इनकार कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि कभी भी खुशहाली नहीं आने देंगे आप लोग वहाँ पर, लोगों तक ये सब कुछ पहुँचे, क्योंकि ये तो बहुत पहले ऐसा हो सकता था पाकिस्तान के साथ, और वो तो वीट के ट्रक नहीं जाने दिए आपने, जिस वक्त कितनी मुश्किल हुई। लेकिन उसमें ये तो आप जानते हैं ना कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो चलता रहता है, तो कुछ भी ऐसा होता तो पाकिस्तान की तरफ से तो अगर ज़रा ज़रा सी बात पर जैसे जैसे धमकियां और वहाँ पर दी जाती हैं, और जो हुकूमतें होती हैं, गवर्नमेंट्स, उनके जो रवैये होते हैं और किस तरीके से वहाँ पर पता ही नहीं चलता कि ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं और स्टेप्स ले लिए जाते हैं कि सब हैरान होते हैं, तो बच्चों वाली बातें हैं, इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं कि ये क्या गलत पॉलिसी है। लेकिन वो तो फिर बार बार रास्ता बंद कर देते, इंडिया को मुश्किल होती, इंडिया इससे निकल ही गया। वो कहा जाता है कि हायर देन हिमालयाज और स्वीटर देन हनी एंड डीपर देन ओशन। इंडिया रशिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसका ताल्लुक डिफेंस, एनर्जी, कनेक्टिविटी से है। डिफेंस, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी। डिफेंस, अगर इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देता, तो इमेजिन करें कि इंडिया कैन नॉट मेक इट्स मिलिट्री हार्डवेयर, तो इंडिया की क्या पोजीशन हो। ये तो अभी इंडिया के पास पैसे आए थे, दे स्टार्टेड बाइंग इट। एनर्जी की, जितना तेल है सारा कुछ, ये सारे एनर्जी, गैस और एनर्जी की जो जरूरियात हैं वो कौन पूरी कर सकता है इंडिया की? रशिया ही तो पूरी कर सकता है, या फिर मिडल ईस्टर्न ममालिक लगे हुए हैं, और इसीलिए इंडिया अपनी सप्लाई चेन एनर्जी की मेंटेन करना चाहता है। याद रखें, इंडिया अगर अपनी एनर्जी की सप्लाई चेन मेंटेन नहीं करता, 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, याद रखें, वहां पे बड़े सीरियस मसले पैदा हो सकते हैं। सो इंडिया अपने डिफेंस के लिए भी रशिया पे डिपेंडेंट रहा है, एनर्जी के लिए भी है, और कनेक्टिविटी। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रही है, इस ट्रेड को बढ़ाने के लिए जिस नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी, उस कॉरिडोर के जरिए रशिया ने कोयले से लदी हुई पहली दो ट्रेन्स भारत के लिए रवाना कर दी हैं, और ये ट्रेनें कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में से होते हुए ईरान की बंदरगाह बंदराबास तक पहुंच चुकी हैं। ये कॉरिडोर भारत के मुंबई को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है, और ये कॉरिडोर 7200 किलोमीटर लंबा है। और इस कॉरिडोर के पूरी तरह फंक्शनल होने के बाद भारत और रशिया के ट्रेड के ऊपर ना तो अमेरिकी सैंक्शंस का कोई असर होगा, और ना ही भारत की ट्रेड के ऊपर कोई इस तरह का खतरा पैदा होगा जिस तरह का खतरा इस समय इजराइल के ऊपर पैदा हुआ पड़ा है। जिस तरह आप जानते हैं कि इजराइल इस समय जिस तरह भी ट्रेड करने की कोशिश करता है, हूती विद्रोही या फिर यमन के कुछ डाकू या विद्रोही या आतंकी जिनको मान लें,
इस तरह के लोग इसराइल के शिप्स के ऊपर हमले करते हैं, उनको डुबा देते हैं। इसराइल को इसके चलते बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन भारत और रशिया की ट्रेड के बीच में उसके बाद फिर इस तरह का कोई खतरा नहीं पैदा होने वाला। और इसके साथ साथ भारत और रशिया के बीच में जो इस समय $45 बिलियन की ट्रेड है, उसको बढ़ाकर भारत $100 बिलियन के पार ले जा सकता। और आप जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच की ट्रेड जब $100 बिलियन के पार पहुंच जाएगी, तब रशिया भारत को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता, किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकता। और इस समय जैसे कि आप जानते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान भी इस नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है, और एक तरफ पाकिस्तान ब्रिक्स में घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब भारत और रशिया के बीच की ट्रेड इतने बड़े पैमाने पर होगी, तब आप रशिया से कोई भी बात मनवा सकते हैं, तब आप पाकिस्तान जैसे देश भारत और रशिया के संबंधों के आसपास भी फटकने नहीं देंगे। और इसीलिए भारत और रशिया के बीच की जो ट्रेड है वो ज्यादा से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।